हृदय में आएगा, हाथ टूटता से आवाज आते हैं। सुनो, अगर आप पवित्र आत्मा के बिना हो तो आप एक नाद की तरह हो। आप किसी के किसी समय को आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे किसी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में नहीं है तो जाहिर है आप एक अनाथों की तरह घूम रहे हो। आप उस व्यक्ति की तरह घूम रहे हो जिसका धरती में, जिसका इस संसार में कोई ना हो, वो अकेला हो। अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, आप एक अनाथ हो अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। शायद आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं, आपका परिवार बहुत हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना जिंदगी अधूरी है। इस बात को नोट करना, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ गया, जिस दिन पवित्र आत्मा ने आपको समझ दे दी, ये वचन समझने की, इस पे चलने की एक बोझ आपके हृदय में आ गया, उस दिन आप एक बात कहोगे, लिख लेना अपनी डायरी के ऊपर, एक बात जरूर कहोगे, जो मेरी पिछली जिंदगी थी वो तो मैंने ऐसे ही गुजार दिया, जो मैं अब जिंदगी गुजार रहा हूं ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, जो मैंने 10 साल 20 साल 25 साल मैंने पीछे गुजारे हैं वो तो ऐसा ही गुजर गए, पर जेड़ी पूर्ण जिंदगी है पवित्र आत्मा पाया है, वचन ते चलते हैं, दिन रात परमेश्वर गल्ला करता है, ये सोचोगे कि मैनू जिंदगी पहले क्यों नहीं मिली, पहले क्यों नहीं दिती गई, क्योंकि उस जिंदगी दे विच तुहानू समय का पता चलता है, किड़े समय तो लाभ उठाना है, किड़े समय भजना है, किड़े समय ठहरना है, किड़े समय मंगना है, किड़े समय लड़ना है, किड़े समय परमेश्वर दे अग्गे जाना है, तुहानू हर एक समय का पता चलता है। हुण पवित्र आत्मा नहीं आ, वचन तो है, ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान कम नहीं आ रहा, वो वचन कम नहीं आ रहा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन होएगा, ये ज्ञान होएगा, ये ज्ञान भी तुहाडी लाइफ दे विच 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ नाम दे विच। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका अपने जीवन में क्या देखना है कि पवित्र आत्मा मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है, मेरी आंखों में है, मेरे पूरे शरीर में है, मेरे दिल में है या नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपकी आंखें गलत नहीं देखेगी, आपका मन गलत नहीं सोचेगा, आपका मन प्रेयर से नहीं भागेगा, आपका दिमाग गंदे विचार नहीं लेकर आएगा प्रेयर टाइम, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इन बातों से आजाद कर चुका होगा, होली स्पिरिट आपको आजाद कर चुका होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप उस व्यक्ति की तरह हो इस संसार में जिसका कोई ना हो, और कोई भी उसे थप्पड़ मार जाए, कोई सपोर्ट ना हो, कोई भी उसे धक्का लगा जाए, कोई सपोर्ट ना हो, कोई भी उसे कुछ भी कह जाए। इसलिए हालात आपको कुछ भी कह जाते हैं, समा आपको कुछ भी कह जाता है, दुष्ट आत्मा कभी भी आपको तंग करना स्टार्ट कर देता है, रात को आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है, आपकी नींद बेचैन चैनी में बदल जाती है, जो आपको आनंदित नींद चाहिए प्रभु में। पवित्र आत्मा के बिना हर तरह की ठोकर का आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपके आपके स्पोर्ट में कोई खड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा आप लेना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा के लिए आप प्रेयर नहीं करते, अनाउंटिंग में आप बढ़ते नहीं हो, वचन है लेकिन उस पर चलते नहीं हो,
शैतान जब चाहे आपको मार सकता है, जब चाहे आपको पागल बना सकता है, जब चाहे आपको मूर्ख बना सकता है, जब चाहे वो आपकी जिंदगी के कामों को रोक सकता है, क्योंकि जिंदगी उसके अधिकार में दी हुई है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? उसके अधिकार में आपने लाइफ दी हुई है। अपना बॉस बनाया हुआ दुष्ट आत्माओं को, बॉस बनाया हुआ है इस संसारिक अभिलाषाओं को। आपका बॉस कौन है? जीसस। आपका बॉस कौन है? पवित्र आत्मा। जब आपका बॉस, आपका मालिक परमेश्वर पवित्र आत्मा होगा और आप एक अच्छी जिंदगी बिता रहे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको नहीं पता चलेगा कौन सा समय मेरे लिए कौन सा समय नहीं है। हम एक वचन को देखेंगे, इफिसियों 5। इफिसियों 5 अध्याय अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका निर्बोध ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की दिशा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बढ़ो। बस 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 एक ही वचन को पढ़ना है आपने, 16 और 17 को। बस पंजाबी में कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ता हूँ। मेरी बाइबल दे विच लिखा है, अपने समय तो पूरा पूरा लाभ प्राप्त करो क्योंकि यह दिन बुरे हैं। सो मूर्ख ना बनो सगो प्रभु दी इच्छा नु जानन दी कोशिश करो। मेरे नाल फिर तो बोलो, अपने समय तो पूरा पूरा लाभ प्राप्त करो क्योंकि यह दिन बुरे हैं। सो मूर्ख ना बनो सगो प्रभु दी इच्छा नु जानन दी कोशिश करो। 19 दे विच लिखा गया, एक दुए वल भजना गीता अते आत्मिक रागा दे राहे अपने पाप प्रगट करो। अपने मनो प्रभु दा भजन अते सिमरन करो। आमीन। हालेलुया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो हर समय आपको बेवकूफ बना सकते हैं। हर समय आप हार सकते हो, हर समय आप गिर सकते हो। एक धर्मी जन गिरे ना, प्रभु ने कहा है अगर धर्मी जन गिरता है 7 बार भी गिरता है मैं उसे खड़ा करूंगा। सपोर्ट है धर्मी जन के जीवन में, एक आत्मिक बंदे में जीवन में एक सपोर्ट है। उसे मालूम मैं चल रहा हूं, मेरे साथ पवित्र आत्मा चल रहे, परमेश्वर चल रहे। अगर मैं गिर भी जाऊं मेरा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो जिस बंदे की सपोर्ट परमेश्वर भी नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है, वो गिर जाए उसको कोई खड़ा नहीं करेगा। अगर वो खड़ा भी हो जाए जेड़े हालातों में जो खड़ा होया होएगा, जेड़े कपड़ियां में जो खड़ा होया होएगा, कपड़े लिबड़े होंगे, हालात कितना गहरे होंगे, ओना ही हालातों में जो ओना ही कपड़ियां में जो उन्होंने चलना पड़ेगा। पर पवित्र आत्मा कहता है मैं उठावांगा, मैं उन्होंने ऊंचा करांगा, मैं उन्होंने साफ करांगा, मैं उन्होंने माफ करांगा। परमेश्वर कह रहा है हालेलुया। वो फिर तो भजन लगनगे, फिर तो उछलन लगनगे। हालेलुया। दाऊद के अंदर एक पवित्र आत्मा वास करता सी, प्रभु दी अनॉइंटिंग वास करती सी, इसलिए जो भी उहदे ते टाइम आंदा सी, जो भी उहदे दी लाइफ दे विच जंग आंदी सी, कोई भी हालात आंदा सी, पवित्र आत्मा नूं पुछ के समा मेरे लिए लाभदायक है या नहीं।
इस समा समा मेनू मेनू फल दे सकता है कि या नहीं दे सकता। और पवित्र आत्मा उहदे मन दे विच पांदा सी कि तू जा मैं तेरे नाल हां, तू जीतेगा, तू जा मैं तेरे नाल है। पवित्र आत्मा कहता है तू रुक क्योंकि तू हारन वाला है, तेनू लोग घेर लैणगे, तेनू मारनगे, तू इस ठहरा रह इस जगह ते। आपा पूरा पूरा लाभ किदा उठावांगे, किदा अपने अपने समय नू जान सकांगे अगर साडे साडे जानन दी शक्ति नहीं है, भविष्य जानन दा आत्मा ही नहीं है, फ्यूचर जानन दा आत्मा ही नहीं है कि अगले दिन मेरे नाल होण की वाला है, प्रभु मैं जावां काम दे उत्ते कि ना जावां। मैं पहले भी एक गल्लां कर चुकिया है। हालेलुया। कहता हर समय अपना अपने समय से लाभ उठाओ क्योंकि ये समय ये टाइम बहुत बुरा है और बुरे हालातों में कोई किसी का नहीं बनता सिवाय परमेश्वर और पवित्र आत्मा के। जब व्यक्ति के हालात बिगड़ते हैं अपने भी उसे छोड़ के चले जाते हैं, अपने भी मुंह फेर लेते हैं, सिर्फ खड़ा रहता है तो पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा रहता है। अगर खड़ा रहता है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है जो वो आपको खड़ा रखता है। आमीन। आज पवित्र आत्मा नहीं है, क्यों? क्योंकि बपतिस्मा नहीं हमारे जीवन में, बपतिस्मा हमने नहीं पाया। आप सोचते हैं अरे बड़ा टाइम है, आप डरते हैं अजय बहुत टाइम है, तानू कितना लगता है टाइम है थोड़े को। अगर तुसी परमेश्वर की पाड़ा तो बाहर हो, परमेश्वर के वचना तो बाहर हो, शैतान कदे भी तानू घात कर सकता है, कदे भी मार सकता है, कदे भी तानू घायल कर सकता है, कदे भी तुसी बिपता दे विच जा सकते हो। कितना तुसी कह सकते हो साडे को टाइम बहुत है, ले लवांगे 40 साल दी उम्र दे विच, ले लवांगे जो मैरिज तो बाद आपा ले लवांगे, बच्चे होणगे फिर ले लवांगे, बुजुर्गी दे विच ले लवांगे। ए टाइम है, इसका फायदा उठाओ। अब परमेश्वर ने क्या है कि अपने समय तो पूरा पूरा फायदा चक लो। आमीन। हालेलुया। तो फायदा फिर हो सकता अगर बपतिस्मा पाए हुए हो, पवित्र आत्मा पाए हुए हो, वचन ताडे नाल है, वचन ते चल दे हो, वचन नू पढ़ दे हो, रोजा रख दे हो, प्रेयर कर दे हो और पवित्र आत्मा दे नाल रोज रोज पढ़ दे हो, तो ताडा टाइम बनन वाला है, तुसी हर समय दा फायदा चकन वाले हो यीशु मसीह दे सामर्थी सामर्थी नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। कहो कि लाइफ ऐसी बनी हुई है, पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहे हैं, ऐसी लाइफ वो जी रहे हैं कि उनको पता है कि 5 साल से दुष्ट आत्मा मेरे को तंग कर रहे हैं, उनको पता है मेरे को डिस्टर्बिंग हो रही है मेरी लाइफ जीने में, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्बिंग सिरदर्दी बनी हुई है, तो उसे लग रहा है ये खुदा की मर्जी है, ये रब की मर्जी है, पर वो इन्नी गल नहीं जानता कि वो पवित्र आत्मा तो बिना है। चर्च तो जाता है, प्रेयर तो 5-10 मिनट है, आधा घंटा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा तो बिना है। इको ताडा सहायिका, इको ताडा मददगार है, वो है पवित्र आत्मा। जिन्या भी सिरदर्दी बनी हुई चीजा ने वो ताड़ी लाइफ दे विचों जान वालिया ने, वो सिरदर्दी खत्म होन वालिया, वो सिरदर्दी नूं तुसी कड़न वाले हो यीशु मसीह दे सामर्थी सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। मेरे को क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? लोग बोलते मेरे को मैंने क्यों पवित्र आत्मा करना है? ये तो एक पास्टर की जिम्मेवारी है ना, पवित्र आत्मा से भर के हमारे ऊपर हम प्रार्थना करना, हम चंगे हो जाएं, हम छूट जाएं। ये तो पास्टर का काम है जी। पास्टर जो करे, पवित्र आत्मा से भरना पास्टर की जिम्मेवारी, प्रार्थना करना पास्टर की जिम्मेवारी, रात उठ उठ के हमारा फोन अटेंड करके प्रेयर करना पास्टर की जिम्मेवारी। मैं आपसे कहता हूँ पास्टर ही ब्लेस होगा, आप नहीं, क्योंकि आप सिर्फ प्रेयर करवाने वाले हो, करने वाले नहीं। मेरी बात को समझ रहे हो?
आप सिर्फ फोन करके प्रेयर करवाने वाले हो। मैं ये नहीं कहता कि फोन बंद कर दो, एक माध्यम है। आप एक अनाउंटिंग बंदे से प्रेयर करवाते हो, प्रेयर करवाने के बाद क्या आप उसी प्रेयर पे निर्भर रहो? आप अपने पास्टर पे निर्भर रहो, अगुए पे निर्भर रहो। अगुआ सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, आपके रास्ते को साफ करता है, आपको बता सकता है ये गंदी चीज है, ये बुरी चीज है, यहाँ पे खट्टा है, आप गिर जाओगे, ये बुरी चीज है, आपको बुरा कर देगी, ये माड़ी चीज है, आपको आपके जीवन को माड़ा कर देगी। अगुआ ये बता सकता है, और आप सुन के उसके उसके ऊपर ध्यान करके उसको समझदारी से लेके आगे चलना है। ये नहीं अगुए के ऊपर ही निर्भर करना है कि अगुआ रात रात प्रेयर करे, 12-12 घंटे हमारे लिए प्रेयर करे, अगुआ रोजे रखे, अगुआ ब्लेस होगा, फिर आप नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल बताती है मेहनती जो है मेहनत का हकदार है। आप फिर तब आओगे, हाँ एक 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 दिन प्रेयर करवा ली, ब्लेस हो आप, चंगे हो गए। 10 दिन फिर बाद आओगे, मेरे को वही प्रॉब्लम है, ब्लेस हो आप, फिर चंगे हो गए, फिर वही प्रॉब्लम। फिर तीसरी बार पास्टर प्रेयर कर देगा, ब्लेस हो आप, फिर उस प्रॉब्लम से आजाद हो जाओगे, फिर 10 दिन बाद फिर से। अगर ऐसी सिरदर्दी ऐसी दुष्ट आत्मा भगानी है तो खुद रोजा रखना पड़ेगा, खुद प्रेयर करनी पड़ेगी। तो फिर देखो आपकी जिंदगी का टाइम खुदा बनाएगा, जो आप वेट कर रहे हो कि मेरा टाइम आने वाला है, टाइम नहीं आएगा जब तक परमेश्वर नहीं आपके साथ, पवित्र आत्मा नहीं आपके साथ। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वचन पे आपने चलना सीख लिया है, तो आपका टाइम आने वाला है, जिस टाइम की आप वेट कर रहे हो, जिस तरक्की की आप वेट कर रहे हो, जिस ब्लेसिंग की आप वेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में। आमीन। छोटा मेरे को लगा, आमीन छोटा लगा, आमीन ऊंचा। तो आप महिमा ऊंची देखने वाले हो, आमीन ऊंचा तो महिमा ऊंची। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आमीन ऊंचा, ब्लेसिंग ऊंची, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आज आपका सहायक बने, आज आपका मददगार आपकी जिंदगी में आए। हर दुखता से आप छूटो, हर बीमारी से आप आजाद हो, हर 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 समा जो आपके लिए बुरा है वो चंगा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, आप आनंद का जीवन आनंद का समा निकाल पाओ यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। आमीन छोटा मेरे को लगा, अगर आमीन ऊंचा तो ये ब्लेसिंग ऊंची है, आमीन बड़ा होना चाहिए क्योंकि ब्लेसिंग बड़ी है यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? प्रभु ने प्रचार किया, पहला प्रचार प्रभु दा की सी धरती दे आगे जो सेवकाई शुरू की थी, कहना तोबा करो मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर दा राज नेड़े है, स्वर्ग दा राज नेड़े है। हालेलुया। प्रेरितों काम 3:19 देखते हैं, कहता मन फिराओ, अपने जीवन बदलो ताकि परमेश्वर की हजूरी से अच्छे दिन और अच्छा समय आप देख पाओ। मन ही नहीं बदला, मन वैसे का वैसा ही, चर्च में जाते हो प्रेयर करते हो टेम्परेली। मन ये है कि हाँ हम बपतिस्मा लेंगे अपनी मर्जी से। परमेश्वर ने तो कब से आपको हुक्म दे दिया बपतिस्मा लो। आप कह रहे हो प्रभु आवाज देगा, अगर आप लिखती वचन पे विश्वास नहीं करते, लिखती वचन को पढ़ते नहीं हो, लिखती वचन पे मनन नहीं करते, उसको देखते नहीं हो, तो आप खुदा की आवाज को देखते रहेंगे, वो आवाज कभी नहीं आपको आएगी, क्योंकि उसने बोल दिया है बपतिस्मा लो, जो बपतिस्मा के बिना है वो मेरी संतान नहीं है, वो स्वर्ग के वारिस नहीं है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। बाइबल में तो कितने समय से पहले ही, हजारों साल पहले ही बोल दिया गया है बपटाइज, मन फिराओ, बपटाइज लो, तुम मेरी संतान कहलाओगे, तुम मेरे बच्चे बेटियां बेटी कहलाओगे।
उसने तो बड़े साल पहले, बहुत साल पहले उसने बोल दिया है। आज भी कई लोग कह रहे हैं मेरे को परमेश्वर की आवाज आनी है, परमेश्वर की आवाज उसका वचन है। परमेश्वर की आवाज क्या है? उसका वचन है। परमेश्वर का कलाम उसका उसकी उसकी आवाज है, उसके अल्फाज है, ये उसका शब्द है, मुंह के शब्द है। हालेलुया, उसके शब्द है। मैं कह रहा हूं तजे भी टाइम में तेरे को बपतिस्मा कर लेना, बपतिस्मा लेना, जागना, नशे नु छड़ना, दुष्ट आत्मा तो आजाद होंदा, हर झगड़े तो आजाद होंदा। मैं कह रहा तेरे को टाइम पास्टर दी प्रेरणा ते निर्बल हो, किन्ने घंटे प्रेयर है मैं तुहानू पुछना चाहवांगा, किन्ना समा परमेश्वर नु दिंदे हो? 15 मिनट ताडे ताडी लाइफ दे विच नहीं आ, और वड्डियां आशा दे चाहवंद हो। 10 मिनट प्रेयर है और वड्डियां बरकतां नु हाथ मार दे हो। अगर जेब दे विच 100 रुपया है तो तुसी वड्डे मॉल दे विच एंटर नहीं हो सकदे। वड्डी चीज खरीदने लई ताडे ताडी जेब दे विच पैसा भी उहदे उत्ते प्रति चाहिदा कि नहीं चाहिदा? वड्डा दाम अदा करना पैंदा है जदों असीं वड्डी चीज नूं लैंदे आ। हालेलुया, एक चुग्गी नूं तैयार करना होए तो एक दिन दे विच 3-3 घंटियां दे विच कंप्लीट हो जांदी है। एक घर नूं बनाउणा होए महीने लगदे आ, समां लगदा है, सालां लगदे ने, मेहनत लगदी है, पैसा लगदा है, किन्ना किन्ना समां खर्च हुंदा है। तो फिर असीं एक वधिया घर नूं जिहड़ा साडा मन पसंद है उस घर नूं आपां तैयार कर पाउंदे आ। पर असीं 5 मिनट की प्रेयर तो 10 मिनट की प्रेयर तो वह वड्डियां आशा चाहते हैं, वह वड्डियां बरकतां चाहते हैं। समा प्रभु नूं कदी नहीं दिता जो ताडे समय नूं ठीक कर देवे, ताडे हालातां नूं ठीक कर देवे। टाइम कदे नहीं दिता जो ताडे टाइम नूं बेस्ट कर देवे, ताडे हालात नूं बेस्ट कर देवे। कदे टाइम नहीं खुदा नूं दिता, सिर्फ यही है पास्टर है जो कुछ पास्टर ही है, पास्टर ही जो करे पास्टर ही करे, पास्टर कर रहे जो उसकी ड्यूटी है कर रहे। जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा से सिखा रहा है वो कर रहे हैं। आपके पास वचन लेकर आ रहा है, आपको समझा रहा है कि ऐसा ऐसा चलो। अगर आप देखते हुए भी सुनते हुए भी अपने कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, चलना बंद कर दो, तो आप इंतजार ही करते रहोगे। 20 साल पहले किया है, 20 साल की जिंदगी रह गई है, हाँ 30-25 साल की जिंदगी रह गई है, उसमें भी इंतजार ही करते रहोगे और खुदा से कहोगे तुम आया, तुम क्यों नहीं आए मेरी लाइफ में, तूने क्यों नहीं मुझे बढ़ाया। और खुदा कहेगा मेरी बाइबल तेरी आवाज थी, ये वचन मेरी आवाज थी, तूने वचन को पढ़ा जरूर लेकिन मेरी आवाज को पहचान नहीं पाया। हालेलुया, लोग जानते हैं मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, 10 साल से दुष्ट आत्मा लोग जानते हैं मेरे को तंग कर रहा है। एक मसीह बंदे में दुष्ट आत्मा क्या उसका काम है मेरे को बताओ? एक अनॉइंटिंग वाला बंदा है ना, पवित्र आत्मा पाया बंदा है तो हर आशीष वो संभाल के रखता है, और शैतान की हिम्मत नहीं है कि उंगल भी उसकी ओर कर जाना, उसकी ओर देख भी जाना, उसकी हिम्मत नहीं है। आपकी जिंदगी में वो हिम्मत वाला बना हुआ है, जब चाहे आपको गिरा दे, जब चाहे आपको रोना रुला दे, जब चाहे आपको आपके घर में झगड़े पैदा कर दे, वो राजा बना हुआ आपकी जिंदगी में। होना कहाँ चाहिए शैतान को? कचरे में, कचरे वाले डब्बे में होना चाहिए, लेकिन वो आपके घर में राजा बना हुआ है। बरकत को रोकने चलो रोकते हैं, हाँ एक विश्वासी को रुलाना है चलो रुलाते हैं, आराम से काम करता है शैतान। तो जानते भी हम कि ये शैतान का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है,
प्रभु तो कहता है तू सदा की आनंद की जिंदगी जिएगा, मेरी शांति जो मेरे पिता ने दी है तुमको मैं देता हूँ। तो हम शांति के बिना है, आनंद के बिना है, हमको लगता है कि हाँ हम चर्च में जाते हैं, हाँ हमारे जीवन में चैन क्यों नहीं है। जब तक बपतिस्मा नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक जिंदगी नहीं है। हालेलुया, ये जिंदगी क्या है? नरक बना के रख दिया आपने खुद ने। जी जिंदगी क्या है? सिर्फ कट्टन दे ले आई हो, अभी दिन बीत गया, चल अगला भी बीत जाएगा, दिन कटनियां कर रहे हो। जिंदगी जी के जाओ, दिन कटनियां ना करो। किन्याने समझ दे पाए, किन्यानु समझ आ रही है। हालेलुया, दिन कटनियां ना करो, जिंदगी जी के दसो किसे में जिंदगी कितना जी जाती है, दसो। यीशु मसीह जिंदगी है, यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह ही सच है। जब ये चीजा आप जान लवेंगे जिंदगी जीवन का, तुसी मैं कह रहा सोचोगे जेडी 20 साल जिंदगी मैं पहले बिताई है वो एवें गुजार चुके, पर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेजेंट नू ले लोगे उस टाइम तुसी की करोगे, कहोगे जिंदगी पहले नालों बेटर है, क्योंकि होली स्पिरिट और प्रभु का होना और वचन का होना तुहाडी जिंदगी दे विच जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जोर दे नाल तारीफ करो खुदा दी, जोर दे नाल तारीफ करो खुदा दी, जोर दे नाल तारीफ करो खुदा दी, जोर दे नाल, जोर दे नाल, जोर दे नाल, जोर दे नाल तारीफ करो खुदा दी, जोर दे नाल, जोर दे नाल, हालेलुया। ऊंचा अब मेरे को छोटा लग रहा है, हालेलुया। ऊंचा हालेलुया, 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 तारीफ, तारीफ करो, तारीफ, हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। हर बंदा ये नहीं कह सकता, हुन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे को टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है साडे को, समय समय है साडे को। मोबाइल दे विच गुजार लो, हाँ टेलीविजन दे अगे गुजार लो, दोस्तां दे नाल गुजार लो, गुवांडियां नाल गुजार लो, जिथे मर्जी गुजार लो, ये ताड़ी अपनी सोच है। अगर परमेश्वर दा आत्मा कह रहा 19 दे विच एक दुए वल भजना कीता अते आत्मिक रागां दे राहीं अपने भाव प्रगट करो, अपने मनो प्रभु दा भजन अते सिमरन करो। और बाइबल दसदी है 16 दे विच अपने समय तो पूरा पूरा लाभ प्राप्त करो, क्योंकि यह दिन बुरे हैं। मूर्ख ना बनो, बाइबल की कहती है मूर्ख ना बन, प्रभु की इच्छा नु जानन दी की कर, कोशिश कर। मैं पहले 2-3 सरमन जदों तुसी सुने हैं ओदे विच प्रभु की इच्छा नु प्रगट कीता है, उस वचन दे विच प्रभु का जीवन कितना दा रहा है मैं वह भी तुहानू दस चुका। अज ये समय कि तुसी बदल जाओ, आज समय ताडे कोल बहुत समय कि तुसी पवित्र आत्मा नू दिनां दे विच पा सकदे हो, घंटियां विच पा सकदे हो। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा दिनां विच पा सकदे हो तुसी पवित्र आत्मा। मन बनाओ पवित्र आत्मा पाउंदा, पवित्र आत्मा दी प्रेजेंट नू लैंदा, मन बनाओ बपतिस्मा लैंदा, मन बनाओ मन फिराउंदा। मैं कह रहा दिन आने वाले आ जिन्हां दी तुसी वेट कर रहे हो, और दिन बनन वाले आ जिन्हां दी तुसी वेट कर रहे हो। हर दुष्ट आत्मा, हर शर्मिंदगी ताडे इन्हां दिनां दे विच इन्हां हालातां दे विच काम ना कर पाए, और दुष्ट आत्मा Come out in the name of Jesus. Come out. Out in the name of Jesus. Fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. हालेलुया। मन फिराओगे तो अच्छे दिन आएंगे। मोबाइल में कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे। हाँ, मेनू मैसेज आज सरकार वालों आज एक 10,000 रुपया किन्ने दिन कटोगे दस ना। अगर मैं कलीसिया के कले कले घर चेक करा
यानी कि मैं मदद नहीं कर रहा या मदद दे लई नहीं वाद रहे आपा, मदद जा रही है, लेकिन मैं ओ लोकां नूं ही सड़कां उत्ते घूमदा देख रहा जिन्हां दे घर दे विच तीन तीन महीने दा राशन पिया होया है। और जदों कोई मिनिस्ट्री जां कोई चर्च राशन वंडण दे लई आंदा है तो वह पहले लाइन दे विच हुंदे आ, और वह लोग रह जांदे आ जिन्हां दे कोल खाण दे लई रोटी नहीं है। तां थोड़ी कलीसिया समझदारी दे नाल चलो। मैं कह रहा मैं अगर मैं कलीसिया दे घर चेक करावां तो तीन तीन महीने का राशन मिलेगा उन्होंने घर के लिए। तो उही कलीसिया के मैंबर जो मिनिस्ट्री कोई देने दे लई आंदी है, वड्डी मिनिस्ट्री देने दे लई आंदी है, तो उही पहले लाइन के लगे होंगे कि आप भुखे मर गए, साढ़े को है ही कुछ नहीं। ये मैं वचन तो बाहर गल कर रहा, ताड़ी समझ नूं वधाउण दे लई, ताड़ी बुद्ध नूं वधाउण दे लई गल कर रहा। हालेलुया। इसका मतलब नहीं है कि आप राशन देना बंद कर दिता जा हेल्प देनी बंद कर दी है, पर वो लोग रह जाते उस टाइम, वो लोग लै जाते जिन्हों को तीन तीन महीने का राशन, दो दो महीने का राशन है, वो लोग रह जाते जिन्हों को कुछ नहीं है। कि खुदा नहीं जानता तुहानू, कहता जे तुसी भुखियां नूं खिलाओगे, रजाओगे, रोटी दोगे, उन्हां दी हैल्प करोगे, मदद करोगे, तुसी परमेश्वर नूं उधार दिंदे हो। मदद करन जोगे नहीं आ ते किसे दा राशन खोके भी ना लैके आओ, जिदे लई आया है उहदे तक पहुंचन दो। हालेलुया। मेरी गल नूं किन्ने जणे समझदे पए आ, मैं जिदे लई आया है उहदे तक पहुंचन दो। आमीन। हालेलुया। किन्ने जणे नूं अज वचन समझ आ गया, किन्ने नूं समझ आ गया? अपने टाइम नूं वेस्ट ना करो, इहदा फायदा चक लो। मोबाइलां विच 20-20 घंटे बिताओ, कोई नहीं रोकेगा। पर मैं फिर तो कहना चाहना, समां माड़ा जो, समां बुरा जो, अरे बुरे समय दे विच की करो, फायदा चक लो और प्रभु की इच्छा नूं जान लो, जानने की कोशिश करो, और ये तुहाडे को खुला टाइम है जानने का। आमीन। अपने हथां नूं उठावांगे, वर्शिप दे विच जावांगे, अपने हथां नूं उठांदे होवांगे। आवाज जो बाइबल है
तेरी आवाज जो बाइबल है मैं उसको सुन सका। अपने हाथ में उठाओ, इस पैसे को ब्लेस करो, इस पैसे को मैं ब्लेस करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम के विच। तुसी अपनी ऑफरिंग नो जिस तरह से रख रहे हो अपने घर के विच रख सकते हो। अपने हाथ में उठाओ सत्तर हाथों को ताली तारीफ करें प्रभु यीशु में और जोर से बोले हालेलुया हालेलुया।